नकल माफियाओं पर नकेल कसने की तैयारी। सीएम योगी ने दिए अधिकारियों को निर्देश। योगी सरकार का साफ इशारा, अब होगा बुलडोजर एक्शन। यूपी में लोकसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से ही प्रदेश सरकार एक्शन मूड में नजर आ रही है। उन वजहों को समझने की कोशिश की जा रही है जिसने प्रदेश में बीजेपी को पहले से खसका कर दूसरे नंबर की पार्टी बना दिया। यूपी में हुए लोकसभा चुनाव 2024 में 80 लोकसभा सीटों में से सिर्फ 33 बीजेपी जीत पाई और 36 एनडीए गठबंधन की कुल सीटों को मिलाकर आंकड़ा बना। वहीं विपक्षी समाजवादी पार्टी ने 37 सीटों पर और गठबंधन में उसके साथ रही कांग्रेस ने 6 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की। इस तरह इंडिया गठबंधन का कुल आंकड़ा 43 पार पहुंच गया, यानी आधे से ज्यादा। अब चुनाव में आए निराशाजनक परिणामों के बाद बीजेपी के अंदर मंथन का दौर शुरू हुआ है। चुनाव में हार की समीक्षा की जा रही है कि आखिर वो कौन से मुद्दे रहे जिसके चलते जनता ने सरकार का साथ नहीं दिया, और इसमें सबसे बड़ा मुद्दा युवा वोट बैंक, उसके खिसकने का बताया जा रहा है। दरअसल युवाओं के मुद्दे को विपक्षी गठबंधन ने बड़े जोर शोर से उठाया था। इसमें पेपर लीक का मुद्दा सबसे अहम रहा। भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने वाराणसी से लेकर अमेठी, रायबरेली और कानपुर तक में युवाओं के बीच पेपर लीक के मुद्दे को जोर शोर से उठा दिया। चुनावी सभाओं में युवाओं का मुद्दा गरमाने के बाद अब योगी सरकार इस मामले में एक्शन ले रही है। कांग्रेस और सपा ने युवा वर्ग से वादा किया था कि अगर उनकी सरकार बनती है तो पेपर लीक को लेकर कानून बनाया जाएगा, वो भी सख्त। कुछ इसी प्रकार का वादा बीजेपी की ओर से भी किया गया है। दरअसल पेपर लीक मामले को लेकर सबसे कड़े कानून को उत्तराखंड बीजेपी सरकार ने अमलीजामा पहनाया है। इसके अलावा पेपर लीक से जुड़े अपराधियों को 10 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा के बिंदु पर विचार किया जा सकता है। पेपर लीक में फंसने वाले छात्रों को किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में शामिल होने से बैन किए जाने की भी कार्रवाई हो सकती है। इन बिंदुओं को लेकर योगी सरकार एक कमेटी गठित कर कार्रवाई की तैयारी में है। इसका फायदा निश्चित तौर पर छात्रों को ही मिलेगा। अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों के साथ एक बैठक की है जिसमें सख्त निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने कहा है कि पेपर लीक कराने वाले गैंग और सॉल्वर गैंग के खिलाफ कार्रवाई में किसी भी तरह की रियायत न बरती जाए। ऐसे लोगों को कठोर सजा होनी चाहिए। राज्य में सॉल्वर गैंग, पेपर लीक कराने जैसी गतिविधियों पर रोक लगाने के लिए नए कानून भी तैयार किए जाने पर विचार हो रहा है। साथ ही सीएम योगी ने कहा है कि आगे से परीक्षा केंद्र उन्हीं शिक्षण संस्थाओं को बनाया जाए जहां सीसीटीवी कैमरों की सख्त निगरानी हो। वहीं संस्थान सरकारी या वित्त पोषित शिक्षण संस्थान होने चाहिए। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पेपर सेट होने से लेकर रिजल्ट प्रकाशित होने तक पूरी प्रक्रिया में सुधार लाने पर काम किया जाए। हर पाली में 2 या 2 से अधिक पेपर सेट होने चाहिए। हर एक सेट के प्रश्न पत्र की छपाई अलग अलग एजेंसियों को दी जानी चाहिए। इसके अलावा परीक्षा केंद्र आवंटन में महिलाओं और दिव्यांगों की आवश्यकताओं पर भी ध्यान दिए जाने के निर्देश सीएम योगी की तरफ से दिए गए हैं। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।